प्रदेश सरकार न्यायालय के फैसले को जल्द लागू कर शिक्षकों की वरिष्ठता सूची पुनः बनाए, ये मांग हिमाचल प्रदेश मुख्य अध्यापक सर्वंग अधिकारी संघ, हिमाचल प्रदेश पदोन्नत प्राध्यापक संघ, हिमाचल प्रदेश विज्ञान अध्यापक संघ और प्रदेश स्नातक संघ ने की है। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए हिमाचल प्रदेश मुख्य अध्यापक सर्वंग अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय गौतम ने कहा कि वरिष्ठता सूचियां पुनः निर्धारित न होने से शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्यों के पद पदोन्नत नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण कई वरिष्ठ मुख्य अध्यापक बिना वित्तीय लाभों के ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में उपनिदेशक के 18, प्रधानाचार्यों के 217 व मुख्य अध्यापकों के 160 पद रिक्त हैं। इसके अलावा शिक्षकों के भी हजारों पद रिक्त हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। प्रधानाचार्य नियमित न होने से उन्हें वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पूर्व सैनिकों ने 15 अगस्त को धरना दिया तो शिक्षक भी धरना देंगे। उन्होंने कहा कि पुनः रोजगार प्राप्त पूर्व सैनिक सरकार को गुमराह कर रहे हैं। सभी शिक्षक संघ सरकार का समर्थन करते हैं और यदि पूर्व सैनिक 15 अगस्त को सरकार के खिलाफ धरना देते हैं तो शिक्षक संघ भी सरकार के समर्थन में प्रदर्शन करेगा। उन्होंने ये भी आरोप जड़ा कि पूर्व सैनिक अपनी पत्नियों को ढाल बनाकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं, जो सरासर गलत है। हमने ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय लिया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों को जो पुनर्नियुक्ति के बाद वरिष्ठता दी जाती थी उसको असंवैधानिक करार दिया गया है, इसको लागू करवाने के समर्थन में हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई है। सरकार द्वारा संशोधित सूचियां बनाई जा रही हैं, लेकिन वो थोड़ा सुस्ती से चल रहा है कार्य, उसको त्वरित करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। दूसरा मेन मुद्दा ये है, भूतपूर्व सैनिक चाह रहे हैं कि 2008 के बाद जो नियुक्त हुए हैं उनको लागू किया जाए, जबकि सरकार द्वारा जो है हम ये मांग कर रहे हैं कि जो निर्णय आया है 1 जुलाई 1997 से इसको लागू किया जाए। इस पर तकरार बाकी है, तो मैं ये चाहूंगा कि सरकार जो है जैसा वर्डिंग आया है निर्णय के अनुसार इसको लागू करे और शीघ्र संशोधित सूचियां जो है जारी करे, और उसके बाद ताकि जो पदोन्नति का इंतजार कर रहे मुख्य अध्यापक हैं या प्रधानाचार्य हैं या अध्यापक हैं उनको पदोन्नति मिल सके और वो पदोन्नति पाकर रिटायर हों। बहुत सारे जो हमारे साथी हैं बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो गए हैं। दूसरा, शिक्षा की गुणवत्ता पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। बिना मुखियों के स्कूल चल रहे हैं और प्रदेश के सरकारी स्कूलों की क्वालिटी जो वो इस कारण गिर रही है। हमें खेत से कहना पड़ रहा है कि वो भी हमारे भाई हैं, अपनी पत्नियों को ढाल बना के उन्होंने उनको आगे किया है, तो मैं ये बताना चाहूंगा प्रेस के माध्यम से कि हम सरकार के समर्थन में जो सभी अध्यापक और बाकी कर्मचारी हैं, क्योंकि इसका प्रभाव सभी सरकारी विभागों पर पड़ रहा है वरिष्ठता का, तो हम सरकार के समर्थन में रैलियां निकालेंगे और जरूरत पड़ी तो हमें भी अपने जो परिवारों को है वो लाना पड़ेगा। तो 80,000 जो कर्मचारी हिमाचल सरकार में सिविलियन हैं भूतपूर्व सैनिकों को छोड़ के, 3,000 को छोड़ के, तो वो जो है वो सरकार के समर्थन में सड़कों पर उतरेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उन्होंने अधिसूचना भी जारी कर दी है, तो इस पर शीघ्र वो अमल करवाएंगे, ये हम आशा करते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी प्रेस के साथियों का कि आप हमारी बात को समय समय पर सरकार तक पहुंचाते हैं।